हेलो फ्रेंड्स, आज मैं दूसरा डिजाइन बताने जा रही हूँ। पहले आप 15 घर डाल लीजिए। 15 घर डाल के 2 काटा बिन लीजिए, 1 घर उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा बिन लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ से देखिए 3 घर एक घर उतार लिए, 2 उल्टा, ठीक है, 1 घर सीधा, 1 सीधा, फिर 2 उल्टा, 3 उल्टा, 1 2 3, 3 उल्टा, 1 सीधा, 3 उल्टा, 1 सीधा। ठीक है, देखिए 3 उल्टा इस तरह से काटा कंप्लीट कीजिए। 1 सीधा, 3 उल्टा, 1 सीधा, 3 उल्टा, इस तरह से ये काटा कंप्लीट कीजिए। फिर पीछे साइड भी सेम उसी तरह से बनाएंगे। जो उल्टा है उसको सीधा बुनेंगे, 3 सीधा, जिसको ये उल्टा बिने थे उसको अब सीधा बिनेंगे, और जिसको सीधा बिने थे उसको उल्टा बिनेंगे। अब इसको उल्टा बिनेंगे, 3 घर सीधा, 1 घर उल्टा। पहला काटा में हम बिने थे 3 घर उल्टा, 1 घर सीधा। उल्टा साइड में हम 3 घर सीधा, 1 घर उल्टा, 3 घर सीधा, ये हो गया कंप्लीट। उल्टा साइड में 3 घर सीधा, 1 घर उल्टा, 3 घर सीधा, 1 घर उल्टा, इस तरह से पूरा कंप्लीट कीजिए। और सीधे साइड में 3 घर उल्टा, 1 घर सीधा, इस तरह से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इसको 5 बार लेना है, 5 बार कंप्लीट कीजिए। देखिए इस तरह से बीन लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें है 5 घर आना चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमको 5 फंदा चाहिए इसमें। अभी ये जो है उल्टा, तीन घर उल्टा। अब हम इसमें बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ से लेंगे। ठीक है, 1 ये 2 ये 3, इसको बीन देंगे, ये हो गया 5। ठीक है, ये 4 हो गया, ये जो है इसको भी बीन लेंगे, ये हो जाएगा इस तरह से 5, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से बनाइए, आगे कीजिए 3 घर उल्टा, 3 घर उल्टा, बहुत ही इजी डिजाइन है। पीछे कीजिए, यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4, ये वाला 5, इसको लेके 5 इस तरह से देखिए। ठीक है, 3 घर उल्टा,
देखिए इसको चार काटा बिनने के बाद हम यहाँ डिजाइन डाल रहे हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ से लीजिए, 1 2 शेप डिजाइन है, शेप टाइप का बनता है, शेप डिजाइन बनेगा, ये हो गया 5, इस तरह से 5। उन आगे कीजिए, फिर 3 घर उल्टा, पीछे साइड पूरा उल्टा भी नहीं गया। जो सीधा है उसको सीधा, जो उल्टा है उसे उल्टा भी नहीं है। 1 2 3 घर हम उल्टा भी नहीं थे, ठीक है, 3 घर सीधा बिनेंगे, 3 घर सीधा। देखिए अब ये जो है, ये जो 5 बनाए थे, 1 2 3 4 5, ये 5ों को उन आगे कीजिए, ये 5ों को इस तरह से लेंगे, ठीक है, ये 5 है, 1 2 3 4 5, तो इसको लेंगे इस तरह से बंद करेंगे। ठीक है, अब ये सीधा है, इसको सीधा बुनेंगे, इसको सीधा बुनेंगे, फिर उन आगे करेंगे, हर एक घर मेरा उल्टा था उसे उल्टा ही बुनेंगे, इस तरह से 5 लेके, 1 2 3 4 5, 5 घर आ गया। बिन देंगे, ठीक है, अब ये पीछे कीजिए, 3 घर, 3 घर सीधा है, 3 घर सीधा बिनेंगे, 1 2 3 घर सीधा, 1 घर उल्टा। तो ये जो हम फूल बनाए थे, यहाँ उठाए थे 5 घर, 5 घर को हम बंद कर देंगे, ये 5 घर को हम बंद कर देंगे पीछे, फिर ये 3 घर सीधा से सीधा बन गया, पीछे साइड इस टाइप का आएगा, अब आगे साइड इस टाइप का आएगा। देखिए ठीक है, शेप डिजाइन है, छोटा छोटा शेप बनेगा आपका, ठीक है। अब हम ये 3 घर उल्टा है, ये घर को तो हम उतार ही देंगे, ठीक है, इसको हम सीधा भी नहीं है, ये घर को सीधा भी नहीं है, सीधा मैंने एक घर सीधा, अब 3 घर हम उल्टा बिनेंगे, 1 2 3, 1 2 3 इसको हम उल्टा बिनेंगे, ये 3 घर को उल्टा बिनिए, एक घर सीधा, 3 घर उल्टा, एक घर सीधा, 3 घर उल्टा, इस तरह से पूरा कंप्लीट कीजिए एक लाइन, 1 2 3। इस तरह से ये लाइन कंप्लीट कीजिए, बहुत ही इजी डिजाइन है। अब हम सीधा में सीधा बुनेंगे और उल्टा में उल्टा बुनेंगे, 3 घर सीधा, पीछे साइड से 3 घर सीधा, 1 घर उल्टा, 3 घर सीधा,
एक घर उल्टा तीन घर सीधा एक घर उल्टा उल्टा साइड में ठीक है। इसी तरह से चार कांटा बुन लीजिए, एक दो है अभी इसको और बिनेंगे हम। पहला कांटा उतार लीजिए, देखिए फिर चार कांटा हम बिन चुके हैं। चार कांटा बिनने के बाद फिर हम ये इस डिजाइन को डालेंगे ठीक है। अब इसको पतला ऊन में भी नहीं मोटा ऊन में भी नहीं किसी में भी आप ये डिजाइन डाल सकती हैं। ये शिव डिजाइन है, अच्छा लगेगा देखने में, शंख डिजाइन जिसे कहते हैं। देखिए फिर ये एक दो तीन चार पाँच है ना, चार कटा बिनने के बाद ये पांच घर फिर बनाएंगे इसी तरह से, एक दो सब एक एक घर में इस तरह से निकालेंगे फंदा, पांच घर लेके बनाइए हो गया। अब ये है तीन घर उल्टा, एक दो तीन, तीन घर उल्टा पीछे कीजिए उन, फिर इसमें उठाइए डिजाइन, देखिए एक दो तीन चार पाँच ठीक है। एक दो तीन चार ये पांच, लास्ट वाला फंदा पांचवा इस तरह से। फिर इस लाइन को कंप्लीट कीजिए जिस तरह से हम यहाँ किए थे उसी तरह से इस लाइन को पूरा कंप्लीट कीजिए काटा ठीक है। देखिए हम यहाँ पे एक दो तीन फंदा लिए हैं, आप यहाँ पर पांच फंदा भी ले सकती हैं ज़्यादा गैप करने के लिए दूरी, या फिर आप सात भी ले सकती हैं आपको जितना अच्छा लगे, आप पांच भी ले सकती हैं ठीक है। इसका इस फंदा को आप कम बेसी कर सकते हैं, तीन या पांच लीजिए। इसी तरह से आप ये डिजाइन बनाएंगे, बहुत ही आसान डिजाइन है। एक 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 घर पर एक एक उठाइए उन, दो तीन चार ये पांच इस तरह से, देखिए इस तरह से आप पूरा काटा डिजाइन उठाइए, एक दो तीन, बाकी तीन उल्टा एक सीधा इस तरह से आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा। पीछे साइड से भी जो उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे, जो सीधा है उसे सीधा बुनेंगे ठीक है। अब हम यहाँ पांच फंदा उठाए थे, वो पांच फंदा को एक साथ बंद कर देंगे, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ये पांच फंदा को एक साथ उल्टा बिन देंगे।
उन पीछे, फिर ये तीन घर सीधा है, इसको सीधा भी नहीं है। इसी तरह से ये कांटा कंप्लीट कीजिए। ये पांच कर लीजिए। इसी तरह से ये कांटा आप कंप्लीट कीजिए। ये कंप्लीट हो गया, देखिए आगे साइड से ये डिजाइन इस टाइप का दिखेगा। बहुत ही इजी है, आप मोटा ऊन में भी बनाइए, पतला ऊन में भी बनाइए, सब में ये डिजाइन अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये डिजाइन। अब हम तीन घर उल्टा बिनेंगे, तीन घर उल्टा बिनेंगे, फिर हम एक घर सीधा बिनेंगे। इस तरह से तीन घर उल्टा, देखिए ये तीन घर उल्टा बिनेंगे। आप पांच घर भी लेके बना सकती हैं, ज़्यादा गैप आएगा। अगर महीन डिजाइन डालना है तो तीन तीन घर डालिए, अगर ज़्यादा गैप करना है दूरी दूरी पर भी आप बना सकती हैं, आपको जैसा आसान लगे। छोटा छोटा डिजाइन डालिए या थोड़ा दूर दूर में, नज़दीक डालिए या दूर पर। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट कीजिए। तीन घर उल्टा, एक घर सीधा, तीन घर उल्टा, फिर इस तरह से ही आप ये डिजाइन रिपीट करते जाइए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए इसी तरह से आप आगे डिजाइन बढ़ाते जाइए। ठीक है, ये चार कांटा बीनने के बाद फिर आप ये वाली डिजाइन डालिए। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। देखिए इस तरह से ये बनते जाएगा। हम तीन घर का यहाँ गैप दिए हैं, आप पांच घर का भी यहाँ गैप दे सकती हैं। ठीक है, देखिए कितना अच्छा डिजाइन है, बहुत ही ईजी है, आसान है, बनाइए। शंख टाइप का डिजाइन है ये, शंख डिजाइन जिसे कहते हैं, शंख डिजाइन बोलिए, शिप डिजाइन जो भी, बहुत ही खूबसूरत है। बाय।